हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम असगर अली एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल बाजार। दोस्तों, आज हम कंपैरिजन करने वाले हैं ओप्पो F15, सेकंड नंबर पर है सैमसंग गैलेक्सी A51। तो दोनों फोन्स का स्पीड टेस्ट, कैमरा टेस्ट और फुल परफॉर्मेंस कंपैरिजन करने वाले हैं। देखेंगे दोनों में से आपके लिए बेस्ट कौन सा रहेगा। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखेगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो किस बात की देर है जी, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन जल्दी से मिलती रहेंगी। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम लुक एंड डिजाइन की बात करें। लुक एंड डिजाइन के मामले में दोनों फोन ही कमाल के दिए गए हैं। कलर ऑप्शन भी दोनों में दिया गया है, लेकिन ज्यादा डिजाइनिंग है वो A51 में। यहाँ पर डायमंड कट सी डिजाइनिंग दी गई है, F15 में डिजाइनिंग नहीं, लेकिन शेड्स आपको काफी ज्यादा मिल जाएंगे। दोनों में शाइनिंग काफी ज्यादा है। दोनों फोन्स बैक साइड पर प्लास्टिक के बने हुए हैं, स्क्रैचेस का खतरा दोनों में ही रहेगा। कवर दोनों के बैक साइड पर लगा कर रखिएगा। प्राइस की बात करें, काफी ज्यादा डिफरेंस है। सैमसंग A51 की प्राइस 54,000 रुपीज है। यहाँ पर हमें 6GB रैम 128GB वाला वेरिएंट पाकिस्तान में मिल जाता है और F15 की प्राइस 45,000 रुपीज है, 45,000 रुपए। 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। तो फोन्स के बैक साइड पर 4 कैमरास दिए गए हैं, क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। यहाँ पर मेन कैमरा दोनों में 48MP का दिया गया है। 1.8 अपर्चर यहाँ पर F15 में मिलता है और 2.0 का अपर्चर सैमसंग A51 में मिलता है। सेकेंड कैमरा यहाँ पर A51 में 12MP का अल्ट्रा वाइड मिलता है। थर्ड कैमरा 5MP का मैक्रो, फोर्थ कैमरा 5MP का डेप्थ सेंसर के लिए। ओप्पो में सेकेंड कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड, थर्ड कैमरा 2MP का मैक्रो, फोर्थ कैमरा 2MP का डेप्थ सेंसर के लिए दिया गया है। फोन्स के डिस्प्ले की बात करें, जैसे ही घुमाएंगे डिस्प्ले डिजाइन में काफी डिफरेंस है। ओप्पो F15 में नॉच वाला डिस्प्ले दिया गया है, यहाँ पर सैमसंग में यहाँ पर पंच होल सेंटर में दिया गया है। तो डिजाइनिंग वाइज ज्यादा बेहतर आपको सैमसंग वाला ही लग रहा होगा, क्योंकि लेटेस्ट डिजाइन दिया गया है। सेल्फी में भी डिफरेंस है। A51 में 32MP की सेल्फी दी गई है और ओप्पो F15 में 16MP की सेल्फी मिल जाती है। डिस्प्ले में भी डिफरेंस दिया गया है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले A51 में मिलता है और ओप्पो F15 में एमोलेड डिस्प्ले मिलेगा। तो कलर्स में आपको काफी डिफरेंस सा मिल जाएगा। एमोलेड एंड सुपर एमोलेड में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन कलर वाइज थोड़ा बहुत मिल ही जाएगा। 6.4 इंच का डिस्प्ले ओप्पो में मिलता है, फुल HD+ डिस्प्ले मिलेगा। 85.5% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, 408 PPI डेंसिटी है। साथ में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। और 6.5 इंच का डिस्प्ले सैमसंग में मिलेगा, फुल HD+ यहाँ पर भी डिस्प्ले मिल जाएगा। 87.4% स्क्रीन टू बॉडी रेशो दिया गया है, 405 PPI डेंसिटी मिलती है और यहाँ पर प्रोटेक्शन कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की मिलती है। प्रोटेक्शन के मामले में ओप्पो F15 फ्रंट साइड से अच्छा दिया गया है। दोनों के डिस्प्ले में देखेंगे कलर वाइज एक दूसरे का मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। A51 के कलर्स भी काफी बेहतरीन नजर आ रहे हैं। दोनों फोन में डिफरेंट दिया गया है। सैमसंग में एक्सिनोस 9611 दिया गया है, 10 नैनोमीटर पर बेस्ड है, ऑक्टाकोर चिपसेट है, अच्छा चिपसेट दिया गया है और माली G72 का यहाँ पर GPU लगाया गया है। ओप्पो F15 में आपको मीडियाटेक हीलियो P70 मिलता है, ऑक्टाकोर चिपसेट दिया गया है, भी 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। यहाँ पर भी GPU माली G72 का लगाया गया है। ग्राफिक्स वाइज दोनों ही आपको बेहतरीन मिलने वाले हैं। तो पबजी प्ले करना चाहेंगे, दोनों ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। दोनों की परफॉर्मेंस पबजी के मामले में बिल्कुल बेहतरीन है। पर 4000mAh की बैटरी A51 में, F15 में आपको 4045mAh की बैटरी मिलती है, लेकिन ओप्पो में आपको 20W की फास्ट चार्जिंग मिलेगी, लेकिन सैमसंग में आपको 15W की फास्ट चार्जिंग ही मिलने वाली है। स्मार्टनेस की बात करें, दोनों फोन्स बिल्कुल सेम स्मार्टनेस पर बनाए गए हैं। 7.9mm की थिकनेस के साथ दोनों ही फोन आते हैं। वेट भी दोनों फोन्स का बिल्कुल सेम दिया गया है, 172 ग्राम के दोनों फोन्स मिल जाते हैं। यहाँ पर फिटनेस के मामले में दोनों ही एक जैसे हैं। दोनों फोन्स को ऑन करेंगे, यहाँ पर देखेंगे कौन सा फोन पहले ऑन हो जाएगा और बाजी मार लेगा। तो देखते हैं कौन सा फोन विन करता है ऑन होने के मामले में। ओप्पो F15 पहले ऑन हो चुका है और बाजी भी मार गया है। दोनों फोन्स के डायलर पर क्लिक किया, F15 फास्ट है। कैमरा पर क्लिक किया, ओप्पो फास्ट है। सेटिंग पर क्लिक किया, ओप्पो F15 फास्ट है। जेंडर पर क्लिक किया, F15 फास्ट है। टिकटॉक पर क्लिक कर दिया, यहां पर भी F15 काफी फास्ट है। प्ले स्टोर पर क्लिक किया, तो यहां पर तकरीबन सेम है दोनों फोन्स। गूगल पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो F15 थोड़ा सा फास्ट है।
YouTube पर क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो YouTube के मामले में भी F15 थोड़ा सा फास्ट है। गेम्स की तरफ आते हैं, यहाँ पर देखेंगे किस फोन में कितना दम है। कैंडी क्रश पर हमने क्लिक कर दिया दोनों फोन्स के, तो कैंडी क्रश के मामले में भी F15 फास्ट है दोस्तों। 8 बॉल पूल पर हमने क्लिक कर दिया है, तो 8 बॉल पूल के मामले में यहाँ पर भी ओप्पो F15 काफ़ी फास्ट है। टेम्पल रन 2 पर हमने क्लिक कर दिया है, टेम्पल रन 2 के मामले में भी F15 थोड़ा सा फास्ट है। फोन्स की बड़ी गेम की तरफ आते हैं, पबजी की तरफ, यहां पर देखेंगे किस फोन में कितना दम है। तो यहां पर भी काफी ज्यादा फास्ट रहा ओप्पो F15, तो काफी एप्लीकेशन में ओप्पो F15 बहुत ही फास्ट रहा। तो यहां पर प्रोसेसिंग यहां पर आपने देख ही ली F15 की ज्यादा फास्ट दी गई, परफॉर्मेंस भी आपको F15 में ज्यादा बेहतर मिलने वाली है। दोनों फोन्स का स्क्रीन पर फिंगरप्रिंट चेक कर लेते हैं किसका फास्ट है, A51 का ट्राई करते हैं। तो A51 का यहां पर देख सकते हैं कि स्लो दिया गया दोस्तों, इतना ज्यादा फास्ट वर्क नहीं है। तो ओप्पो F15 का आप देख सकते हैं क्विक वर्क है, फिंगरप्रिंट के मामले में क्विक रिस्पॉन्स दिया गया है। फेस आईडी के मामले में भी आप देख सकते हैं काफी ज्यादा फास्ट है ओप्पो F15। A51 बिल्कुल स्लो दिया गया है फेस आईडी के मामले में भी। मेन टक्कर कैमरा की आ जाती है, दोनों का 48 मेगापिक्सल का कैमरा है। पर रिजल्ट देखकर आप जरूर हैरान होंगे, डे लाइट में, लो लाइट में, यहाँ पर लाइटनिंग रूम कंडीशंस में हमने फोटोज लिए हैं, तो यहाँ पर रिजल्ट जो सामने आया दोस्तों वो बिल्कुल हैरान कुन रिजल्ट है। दोनों फोन्स की बैक कैमरा की फोटोज में आपको ज्यादा डिफरेंस नहीं नजर आएगा, लेकिन जब आप कलर कैप्चरिंग देखेंगे तो ज्यादा सेचुरेशन और ज्यादा क्लियरेंस जो है वो ओप्पो F15 के बैक कैमरा में आपको अच्छी और ज्यादा मिल जाती है। मिक्स मसाला जरूर मिल जाएगा, व्हाइटनेस थोड़ी सी मिल जाएगी जब आप किसी बंदे की फोटो लेंगे या कहीं की भी फोटो लेंगे, लेकिन आपको क्लियरेंस और क्लैरिटी जो है वो ओप्पो F15 के बैक कैमरा में थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी। अब जूम करेंगे किसी भी फोटो को डिटेल से, तो डिटेल आपको ओप्पो F15 के बैक कैमरा में ज्यादा मिलती है। ये दोस्तों ऑनेस्ट बात है दोस्तों, हम ओप्पो की तरफ नहीं है, हम किसी भी कंपनी की तरफ नहीं है, हम ऑनेस्टी की तरफ है। तो सैमसंग का बैक कैमरा जो है वो ज्यादा ओवर कलर्स आपको प्रोवाइड नहीं करता, बिल्कुल नेचुरल कलर प्रोवाइड करता है। तो नेचुरल कलर के मामले में बिल्कुल अच्छी फोटोज हैं A51 के बैक कैमरा की, लेकिन यहाँ पर डिटेल के मामले में और ज्यादा सिचुएशन के मामले में और यहाँ पर अगर डायनामिक रेंज की भी बात करें तो ओप्पो F15 का बैक कैमरा अच्छा काम करता है, बहुत बेहतरीन काम करता है। फ्रंट कैमरा की बात करें, 32 मेगापिक्सल की सेल्फी आपको A51 में मिलती है और ओप्पो में 16 मेगापिक्सल की मिलती है। यहाँ आप क्लियर देख ले होंगे, नेचुरल फोटोज आपको A51 में मिल रही है, क्लैरिटी भी A51 के फ्रंट कैमरा में मिल रही है, जबकि ओप्पो F15 का फ्रंट कैमरा मुझे ज्यादा पसंद नहीं आया, मिक्स मसाला है दोस्तों। हालांकि नेचुरल मूड में फोटो लिए, कोई यहाँ पर ब्यूटी मूड यूज नहीं किया, ज्यादा वाइट कर देता है चेहरे को जब भी फोटोज लेंगे फ्रंट कैमरा से। आपको फ्रंट एंड बैक कैमरा किस फोन का अच्छा लगा आप भी कमेंट्स में जरूर बता दीजिएगा, आपकी राय जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है दोस्तों। तो यहाँ पर फाइनल रिकमेंडेशन करना चाहूंगा, परफॉर्मेंस के मामले में, कैमरा के मामले में, बैक कैमरा के मामले में ओप्पो F15 कमाल का है A51 से दोस्तों। यहाँ पर F15 में सिर्फ नॉच दी गई है और A51 में पंच होल डिस्प्ले दिया गया, डिजाइन के हिसाब से तो अच्छा दिया गया है A51 फ्रंट एंड बैक, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात करें, कैमरा की बात करें और चार्जिंग भी ज्यादा फास्ट ओप्पो F15 में मिलती है। अगर इन दोनों में से चूज करना चाहें तो F15 बेहतर है, हालांकि F15 की प्राइस भी थोड़ी सी ओवर दी गई है, कम करनी चाहिए, लेकिन इन दोनों में से अगर चॉइस करना चाहें तो F15 आपके पैसे भी बचाएगा, परफॉर्मेंस भी आपको और कैमरा भी ज्यादा अच्छा प्रोवाइड करता है बैक कैमरा। फ्रंट कैमरा थोड़ा सा अच्छा है सैमसंग A51 का, इन बाकी मामलात में F15 ज्यादा बेहतर रहेगा। आपकी क्या रिकमेंडेशन है दोनों फोन्स के बारे में आप भी कमेंट्स में जरूर शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो को ले जाता हूं मैं आपसे इजाजत, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।